तिलक का राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार हम पढ़ रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम बनाया और उस पाठ्यक्रम के अंदर उन्होंने बहुत सी चीजें ग्रहण की और बहुत सी चीजें उन्होंने शामिल की, तो वो कौन कौन सी थी वो हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रमुख पहल निम्न बातें थी। प्रमुख निम्न बातें थी, तो पहली जो थी वो ये थी कि औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने। औद्योगिक व जो प्राविधिक शिक्षा है, औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा जो है वो शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बने। कमा सकेंगे, क्योंकि एक तकनीकी शिक्षा जो है वो औद्योगिक शिक्षा के अंतर्गत दी जा सकती है, जिससे कि व्यक्ति जो है वो अपनी आजीविका को अच्छे से कमा सकता है और देश के विकास में भी योगदान कर सकता है। और तिलक जो है उन्होंने हमेशा इस बात के लिए आग्रह किया है, ये बात हमेशा कही है कि शिक्षा जो है वो पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा को शिक्षा औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा जो है वो जीविकोपार्जन का साधन बन सके। ऐसी शिक्षा के माध्यम से जो भारतीय हैं वो अधिक से अधिक अपनी आजीविका कमा पाएंगे, अपनी आजीविका प्राप्त कर पाएंगे और जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही तकनीकी और औद्योगिक विकास के कारण देश का भी विकास में वो सहायक सिद्ध होंगे और देश के विकास में भागीदारी निभा पाएंगे। तो ये इनके पाठ्यक्रम की जो पहली बात थी प्रमुख कि औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा जो है वो पाठ्यक्रम का अंग होनी चाहिए। दूसरा है धार्मिक शिक्षा पर बल। धार्मिक शिक्षा पर बल, तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था धार्मिक शिक्षा। तिलक धार्मिक शिक्षा पर बहुत जोर देते थे और कहते थे कि किसी को अपने धर्म का अभिमान कैसे हो सकता है यदि वो उसकी मूल मान्यताओं से ही अनजान हो, उसकी अच्छाइयों से अनभिज्ञ हो, तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकता है, न ही अभिमान कर सकता है अपने धर्म के ऊपर। तिलक को
करता था कि हमारा धर्म बहुत छोटा है, उसमें बहुत बुराइयां हैं, और आकर्षित हो रहा था पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के और ईसाई धर्म की ओर। तो ऐसी स्थिति में तिलक ने कहा कि यदि अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में नहीं जानेंगे भारतीय, तो वो अपने धर्म के ऊपर अभिमान भी नहीं कर सकते हैं। तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो ये कहते थे कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं। उनकी मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलह को दूर करने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। धार्मिक शिक्षा से ही भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान का भाव उदय होगा। यदि भारतीयों को अनुशासित रखना है तो उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, जो शिक्षा है चाहिए, और वो मातृभाषा के द्वारा ही हो सकता है कि आप किसी भाषा अन्य भाषा में अगर कोई बात समझाएंगे तो शायद देशवासी देर से समझेंगे, लेकिन यदि मातृभाषा में उस बात को अगर आप समझाएंगे तो देशवासी उसे जल्दी ग्रहण करेंगे और समझ पाएंगे। एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन। तिलक जो है उन्होंने भाषा भेद से विभाजित देश में देश की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अतः वे पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। वो हमेशा चाहते थे कि देश की राष्ट्रभाषा जो है वो एक होनी चाहिए और एक ही लिपि में उसको लिखा जाना चाहिए, और ये प्रमुख बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत के
बारे में सोचें, क्योंकि देश की आजादी के लिए राष्ट्रीय हित भी सर्वोपरि है। तिलक ने रोहन ने भी अपनाने के सुझाव को हास्यास्पद बताकर उसका विरोध भी किया था। वो ये नहीं चाहते थे कि भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उसमें छात्र जो है वो स्वाधीनता आंदोलन से अलग रहे। वो चाहते थे कि छात्र पढ़ना लिखना जारी रखे, लेकिन इसके साथ ही अपना कुछ समय जनता में चेतना उत्पन्न करने, स्वदेशी और बहिष्कार के महत्व का प्रचार करने में भी लगा। तो शिक्षा के माध्यम से जो तिलक है वो भारत के प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित कर रहे थे। वो चाहते थे कि जो भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, जो भारत के पुराने आदर्श है, उन्हें पुनः जीवित किया जाए, और ये सब राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। लास्ट स्टेज में राजनीतिक शिक्षा। तिलक के अनुसार शिक्षा जो है वो युवकों को देश की सेवा और स्वाधीनता के लिए समर्पित करने का माध्यम है। अध्ययनों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा जो है वो शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग है, और अपनी राष्ट्रीय शिक्षा में तिलक जो है वो राजनीतिक शिक्षा को शामिल करना चाहते थे, राजनीतिक शिक्षा को अनिवार्य मानते थे, और राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से वो युवकों को देश की परिस्थितियों से परिचित कराकर उनमें स्वाधीनता प्राप्ति का संकल्प जगाना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षित युवक हैं वो जन जागरण का कार्य भली प्रकार कर सकेंगे। उनकी हमेशा से मान्यता रही है कि उस राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षित युवक जन जागरण का कार्य अच्छी तरह से करेंगे, और ये तभी संभव हो सकेगा जब उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होगी कि देश के विकास के लिए किस तरह से देश को स्वराज प्राप्त होना चाहिए, स्वदेशी किस तरह कारगर है देश के लिए, किस तरह से बहिष्कार के माध्यम से देश को आजाद कराया जा सकता है। तो नोट कर लीजिए, ये पांच जो है विचार, ये पांच पक्ष थे जो तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा की प्रमुख बातें थी उनके पाठ्यक्रम की। नोट कर लीजिए आप इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राष्ट्रीय शिक्षा का। ये आपके एग्जाम में आता है कि तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा को समझाइए। इसके बाद में है तिलक राष्ट्रीय शिक्षा में मीडिया को बहुत महत्व देते थे, यानी पत्रकारिता को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, उसमें इनका विश्वास बहुत ज्यादा था। जनमत, जनशक्ति, जनसंपर्क तथा पत्रकारिता की शक्ति में विश्वास। जनमत, जनशक्ति तथा जनसंपर्क
पत्रकारिता की शक्ति में विश्वास। तिलक का जनमत यानी जनता का मत, जनशक्ति जनता की शक्ति, जनसंपर्क जनता के साथ संपर्क करना तथा पत्रकारिता की शक्ति में उनका सबसे ज्यादा विश्वास था और इसे उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा में शामिल भी किया था। तिलक ने अपने चिंतन और कार्यकलापों में जनमत और जनशक्ति को हमेशा से ही विशेष स्थान दिया है। जनता में बड़ी शक्ति होती है। तिलक का मत था कि जनता में बहुत शक्ति होती है। निरंकुश शासक भी वह निरंकुश शासक भी जनमत से भय खाते हैं। चाहे कितना भी बड़ा निरंकुश शासक क्यों ना हो, यदि जनता इकट्ठी होकर के उस पर दबाव बनाए तो उसे अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। 1891 में उन्होंने केसरी युग का अखबार था उसमें लिखा था कि शासक अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता जो है वो अपनी शक्ति नहीं जताती है। 1891 में उन्होंने केसरी में लिखा जो उनका अखबार था, केसरी में लिखा कि शासक अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता शक्ति नहीं जताती। अगर जनता एक हो जाए तो शासक उसके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। यदि जनता एक हो जाए तो शासक उसके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे।
उन्होंने शिक्षित वर्ग को यह संदेश दिया कि आप अपने आप को साधारण जनता से अलग ना समझिए। तिलक ने शिक्षित वर्ग को यह संदेश दिया कि आप अपने आप को सामान्य जनता से अलग ना समझिए। झोपड़ियों तक जाकर साधारण जनता की स्थिति में सुधार कीजिए और उन्हें संगठित कीजिए। झोपड़ियों तक जाकर साधारण जनता की स्थिति में सुधार कीजिए। वह उन्हें संगठित करिए। के अंतर्गत कि वो साधारण जनता को संगठित करे और उनकी स्थिति में सुधार में सहायता दे। राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह तिलक का यह विश्वास था कि राष्ट्रीयता का संदेश प्रचार करने के लिए समाचार पत्र बहुत एक शक्तिशाली माध्यम है। इसलिए उन्होंने केसरी और मराठा में जन जागरण की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य जो थे वो किए। राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह तिलक समाचार पत्रों को राष्ट्रीयता के संदेश का प्रचार करने के लिए समाचार पत्र की तरह तिलक यह मानते थे कि राष्ट्रीयता का प्रचार करने के लिए समाचार पत्र
समाचार पत्र जो है वो माने जाते हैं। और तिलक ये मानते थे अन्य नेताओं की तरह कि समाचार पत्र जो है एक बहुत शक्तिशाली प्रचार माध्यम है राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का जन जन तक पहुंचाने के लिए। उनके पत्र केसरी और मराठा ने उनके पत्रों केसरी में मराठा में राष्ट्रीय जागरण के लिए मराठा में जन जागरण की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। तो तिलक के जो अखबार थे केसरी और मराठा, उन्होंने भी कई उल्लेखनीय कार्य किए थे देश में राष्ट्रीयता के प्रसार करने के लिए। तो तिलक जो थे उनका मानना था कि जनशक्ति, जनपद, जनता का मत और जनता के साथ जो संपर्क बनाए रखना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है और एक माध्यम है निरंकुशता को समाप्त करने का। और ये उन्होंने किया था अंग्रेज शासन के विरुद्ध। यहाँ पर निरंकुश सत्ता उन्होंने, अत्याचारी शासन उन्होंने अंग्रेजों के शासन को बताया और उन्होंने कहा कि जनता जो है वो अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि जनमत की जो शक्ति होती है उसके सामने अच्छे से अच्छे अत्याचारी जो शासक होते हैं वो भी नहीं टिक पाते हैं, उन्हें भी अपने फैसले बदलने होते हैं। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने जनता की शक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। और उन्होंने केसरी में लिखा भी था एक बार कि शासक चाहे कितना भी अत्याचारी हो, जनता यदि अपनी शक्ति जता देती है तो वो अत्याचारी नहीं रहता है। शासक इसलिए अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता जो है वो अपनी शक्ति नहीं जताती है, ना ही वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। तो तिलक ने ये भी कहा कि यदि जनता एक हो जाए तो शासक उसके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। शासक इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाली जनता जो है वो कितनी ज्यादा शक्तिशाली है और उनके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और तिलक ने शिक्षित वर्ग को भी ये संदेश दिया है कि आप सामान्य जनता से अपने आप को अलग ना समझें और झोपड़ियों तक जाएं, सामान्य जनता के पास जाएं, उनकी स्थिति में सुधार करें और उन्हें संगठित करें जिससे कि वो देश में जो एकता है उसमें साबित हो सके, देश की एकता में वो सहयोग कर सके। अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्होंने न केवल जनमत को बल्कि उन्होंने पत्रकारिता को, समाचार पत्रों को भी एक शक्तिशाली माध्यम बनाया है। भारतीय राष्ट्र बताया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कि ये भी एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। उनके पत्र केसरी और मराठा ने जन जागरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता को महत्व दिया क्योंकि उनके स्वयं के जो अखबार थे वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा जो तिलक का है वो कंप्लीट होता है। इस पे आपके मोस्टली क्वेश्चन आ भी जाता है, तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार बताइए, चाहे वो छोटे क्वेश्चन में आए या फिर वो आपके बड़े क्वेश्चंस में आए, आपको इसे तैयार करना है राष्ट्रीय शिक्षा तिलक का। और ये उन्होंने तब करी थी, राष्ट्रीय शिक्षा तब चलाई थी जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। इसमें उन्होंने न केवल राष्ट्रीय शिक्षा में पाठ्यक्रम में बदलाव चाहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीतिक शिक्षा भी जो है वो दी जानी चाहिए। नोट कर लीजिए आप इसे।
तिलक के शिक्षा संबंधी विचार हमने पढ़े हैं। इससे पहले हमने स्वदेशी और बहिष्कार ये दोनों टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए हैं।